Please like, share and subscribe. I am school system. Good morning. जैसा कि आपको बताया कि हमने टेस्ट के बेसिस पे प्रोग्राम रखा है ताकि हम मालूम कर सके कि कौन इस स्कूल का हेड बॉय बन सकता है, कौन इस स्कूल की हेड गर्ल बन सकती है। तो आप इस टेस्ट के लिए रेडी हैं? यस मैम। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जल्दी करें। हाँ हाँ, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। बस करो। एक मिनट, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दोने। चुप करो, मैंने तुमसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के साथ का डिफरेंस पूछा, तुम अपनी कहानी लेकर बैठ गई क्यों? मैम मैंने तो डिफरेंस ही बताया है। चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आने वाला। मैं तुमसे सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे पापा आज ऑफिस गए, इस सेंटेंस को फ्यूचर में कन्वर्ट कर दो। आज भी गए हैं और कल भी जाएंगे, अगर किसी की बाप की मदद है वो रोक के दिखाए। दफा यहाँ से, जाहिल ना हो दो। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। मैम जी पूछिए। इंग्लिश की टीचर तो इंग्लिश में बात करती हैं, आप मैथ की टीचर होकर मैथ में क्यों नहीं करती मैम? ये कैसा क्वेश्चन है? सॉरी मैम। अब मैं तुमसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हम रोजाना बादाम खाएं तो क्या होगा? बादाम खत्म हो जाएंगे मैम। ये कैसा आंसर है? सॉरी मैम। अब ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? पढ़ाई में मैम। वो कैसे? क्योंकि जब भी किताब को खोलो तो नींद आने लग जाती है मैम। गुड मॉर्निंग। तुम वही बदतमीज लड़के हो ना जो रोजाना नहीं होमवर्क करके आते? आज तुम होमवर्क ना करके आए तो मैंने तुम्हें मुर्गा बना देना है। मैम आप मुझे मुर्गा ना बनाना, शाही पनीर बना देना जो कि मैं बड़े शौक से खाता हूँ। बदतमीज। सॉरी मैम। इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आए तुम? मैम मुझे बर्ड रेस्ट हुआ था। वो कौन सी बीमारी है? सॉरी, बर्ड फ्लू हुआ था। वो तो जानवरों का होता है, इंसानों का नहीं होता। आप हमें इंसान समझती कहाँ है, छोटी सी गलती पे आप हमें मुर्गा बना देती हैं। बदतमीज, दफा जी यहाँ से। जाने से पहले एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। मैं आपको कैसा लगता हूँ? अच्छे लगते हो। भेजो अपनी वालिदैन के आपके घर। किस लिए? हमारी बात आगे बढ़ाने के लिए। कोई शर्म करो, तुम स्कूल का स्टूडेंट हो। ट्यूशन पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा। इंडियन फिल्में देख के आपका दिमाग खराब हो गया। दफा जी यहाँ से, जाहिल ना हो तो। क्लैपिंग कर दे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो आज क्यों आ रहे हैं। मैम जो कल एब्सेंट थे वो कमिश्नर बनते हैं। बदतमीज। सॉरी मैम, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी पूछिए। मैम हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? हाथी तो बहुत बड़ा होता है, वो तो फ्रिज में आ नहीं सकता। मैम फ्रिज भी बहुत बड़ा होता है, पहले हम फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे और हाथी को अंदर रख देंगे। एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी पूछिए। मैम गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? गधे को फ्रिज में, फ्रिज का दरवाजा खोल के? नहीं मैम, पहले हम हाथी को फ्रिज से निकालेंगे और फिर गधे को रखेंगे। एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि तुम लोग मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं तुम लोगों से। अब पूछो, और क्या पूछना है? मैम बंदर के सालगिरह पर सब गए थे, बस एक नहीं गया था, उसका नाम बताएं। शेरी होगा क्योंकि वो जाएगा सबको खा जाएगा। नहीं मैम, गधा नहीं गया था क्योंकि वो फ्रिज में बंद था। क्लैपिंग कर दे। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपने देखा कि इंटरनेट और मोबाइल के बेजा इस्तेमाल की वजह से आजकल के बच्चे किस कदर बदतमीज और बदखलाक हो चुके हैं, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि इन चीज़ों का इस्तेमाल किसी एक जायज हद तक करवाएं ताकि हमारे बच्चों के अंदर इखलाक और तमीज़ का अंसर नुमाया हो सके। शुक्रिया।